नमस्कार, मैं अरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज। खबर हमारी दुनिया तक। नव निर्वाचित प्रधान व सदस्यों के लिए खुशखबरी, 25 व 26 मई को होगा वर्चुअल शपथ ग्रहण समारोह। 2 मई को परिणाम आने के बाद से विजेता कर रहे थे इंतजार। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। नव निर्वाचित प्रधान व सदस्य 2 मई के परिणाम आने के बाद भी अभी तक शपथ लेने का इंतजार कर रहे थे, तो अब इंतजार की घड़ी खत्म होने को आई। समस्त विजेताओं को शपथ दिलाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और ये खबर है हमारे संवाददाता कुलदीप बाथम की। सूबे का पंचायती राज विभाग इन सभी विजेताओं को 25 व 26 मई को शपथ दिलवा देगा, परंतु इनमें कई लोग इससे वंचित रह जाएंगे। इसके सबसे ज्यादा वह हैं जिनके परिणाम आने से पहले ही कोरोना संक्रमण या अन्य कारण के चलते मृत्यु हो गई। कुछ ऐसे भी हैं जिनके परिणाम में विवाद हुए, ऐसे विजेता भी शपथ लेने से वंचित रहेंगे। राज आयोग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान पद पर जीतने वालों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम अब तय है। विजेताओं को 25 व 26 मई को शपथ दिलाई जाएगी। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को 24 मई तक अपना पूरा कार्य कर लेना है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद यानी 27 मई को नवनिर्वाचित प्रधानों की बैठक होगी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पहली बैठक की वर्चुअल ही होगी। ये तो तय है कि सभी ब्लॉकों में शपथ ग्रहण के समय कुछ न कुछ तो रोड़ा अटकेगा। जिन प्रधानों का शपथ ग्रहण नहीं हो पाएगा उनका शपथ ग्रहण अगले चरण में ही संभव हो पाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी से पता चला है कि नवनिर्वाचित प्रधान शपथ ग्रहण समारोह को लेकर काफी उत्साहित हैं। कुछ प्रधान तो ऐसे हैं विजयी हुए हैं जिन्हें जो पहली बार शपथ लेंगे, जिन्होंने मिठाई के आर्डर के साथ साथ नए कपड़े भी सिलवा कर रख लिए हैं व दावतों की तैयारी में लगे हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खबर पाने के लिए। और एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। हम फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में किसी और समस्या को लेकर किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।